तो देखिए पूरी तैयारी हो चुकी है और अब वोटर की बारी है। जब वोटर जाकर ईवीएम पर वोट की जोड़ करेगा, अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनको जोड़ लेते हैं, उनके साथ में जानते हैं कि आखिर कितनी तैयारी वोटिंग को लेकर हो चुकी है। माजिद अरमान हमारे साथ में है जालौन से, प्रवेश कुमार पांडे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अयोध्या से, और उसके साथ ही केशवानंद शुक्ला है रायबरेली से। सबसे पहले जालौन से माजिद का रुख करेंगे। माजिद, जालौन में कितनी तैयारियां चुनाव को लेकर हो चुकी है, पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर तैयारियां चल रही है और आज से पार्टियां रवाना हुई है, जिसको लेकर जिलाधिकारी पहले से घोषणा कर दी कि निर्देश दे दिए थे कि जहां जहां मतदान स्थल होना है वहां सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम सारी करना चाहिए। और इसी को लेकर आज जिस तरीके से 1474 मतदान स्थल बनाए गए हैं और वहीं पर तकरीबन 20,000 कर्मी काम कर रहे हैं और 10,000 से ज्यादा पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पे लगा दिए गए हैं, और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से निर्देश किए गए थे उसको लेकर पार्टियां तैयार हो गई हैं और आज यहां से रवाना भी हो चुकी है। अब देखा ही होगा कल मतदान होना है, जिसमें 20 लाख तकरीबन मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें 15,000 नए मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये देखना है कि इसमें भी जिस तरीके से भीषण गर्मी जो यहाँ पर देखने को मिल रही है, पारा जिस 44 डिग्री से ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऐसे में किस तरीके से लोग मतदान करते हैं, इसी दूसरे भीषण गर्मी भी कैसे निकल के आते हैं, ये तो कल बहरहाल देखा जाएगा। लेकिन आज जो तैयारियों को लेकर बात की जाए तो जो तैयारियां जो जिस तरीके से दिशा निर्देश जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए हैं वो पूर्ण रूप से तैयार है और लोग अपने अपने मतदान स्थल से जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, जांच भी चुके हैं। और जिस तरीके से जो चुनाव को कराना है, कहीं ना कहीं इस चुनाव को पिछले चुनाव से अगर देखा जाएगा तो चुनाव की तैयारियां पहले से तैयार शुरू कर दी गई थी, क्योंकि पिछले चुनाव में कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी, मशीनें भी गड़बड़ थी, और इस बार देखना है कि इस बार मशीनों को भी अच्छी से चेक कर लिया गया है कि ऐसा ना हो कि मतदान स्थल पर मशीनें काम ना करें, तो इसको लेकर इन्होंने तैयारियां पूर्ण रूप से की है। जी ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में रायबरेली से केशवानंद शर्मा, चुनाव को लेकर के वो पूरी कर ली गई है और सुबह से ही देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो बाकायदा पहुंच रहे हैं और पोलिंग पार्टियों को लेकर के रवानगी की कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और यहाँ पर रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे।